हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेटकास्ट ऑन वेबटेक जोन। आज का मेरा सब्जेक्ट है दोस्तों, विंडोज 10 में अगर आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का कुछ एरर आए तो आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। हाउ टू फिक्स न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन या एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम इन विंडोज 10। ओके, अगर आपको फ्रेश सॉफ्टवेयर ऑलरेडी आपका विंडो में सॉफ्टवेयर है और वो चल नहीं इंस्टॉल नहीं हो रहा है, ठीक है, अपडेट करना है तो फ्रेश आपको इंस्टॉल करना है, वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, पहले आपको जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है आपको ऐड एंड रिमूव में जाना है। ऐड एंड रिमूव यहाँ दबाओगे तो इसमें जाना है आपको, और जो भी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है, समझो मुझे VLC प्लेयर इंस्टॉल करना है और मुझे फ्रेश कॉपी करना उसका डाउनलोड करके करना है, तो मैं पहले VLC प्लेयर में जाऊंगा। वेयर इज माय VLC प्लेयर, दैट्स वन, इसको मैं अनइंस्टॉल करूंगा। ओके, अनइंस्टॉल करते वक्त कभी कभी क्या होता है, कभी कभी वो अनइंस्टॉल प्रॉपरली नहीं होता और उसके बाद वो प्रॉब्लम करता है इंस्टॉलेशन में। तो अनइंस्टॉल प्रॉपरली करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है जो मैं आपको बताऊंगा, उससे आप प्रॉपर अनइंस्टॉल कर सकते हो उसके सब फाइल, ठीक है। तो मैं आपको वो सॉफ्टवेयर, तो सेकेंड ऑप्शन है गाइस कि आपको एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे मैंने नाम लिखा, देखो मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड, ये सॉफ्टवेयर है, ये उसका लिंक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, ये देखिए ये वाला आपको फ्री डाउनलोड है, यहाँ पे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐसा दिखेगा ये, और जो भी प्रोग्राम जो भी फाइल का फ्रेश कॉपी इंस्टॉल करना चाहते और हो नहीं रहा है तो वो सॉफ्टवेयर को आप प्रॉपर अनइंस्टॉल करो, ये सॉफ्टवेयर आपको पूरी तरह हेल्प करेगा अनइंस्टॉल करने के लिए। तो जो भी सॉफ्टवेयर है आप इसको क्लिक करो, यहाँ पर अनइंस्टॉल करो तो वो प्रॉपरली, देखो क्रिएट रिस्टोर पॉइंट बिफोर अनइंस्टॉल ऑटोमेटिकली रिमूव फाइल। ओके गाइस, आपको ये अनचेक ही रखना है और इसको अनइंस्टॉल करना है। यह अनइंस्टॉल होने के बाद आपका कंप्यूटर आप रिबूट करो, रिस्टार्ट करो और देखिए उसका फिर से दूसरा सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, अपडेट सॉफ्टवेयर प्रॉपर इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं। ओके, अगर ये ऑप्शन आपको वर्क नहीं हो रहा है तो आई एम शोइंग यू द अनदर ऑप्शन, जिससे आप यू नो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का एरर विंडो 10 में क्लियर कर सकते हैं। पहले ये देखते हैं, इसको पहले अनइंस्टॉल करने दीजिए थोड़ा सा। ये जो सॉफ्टवेयर है आपका जो फाइल है सब अनइंस्टॉल कर देगा, ठीक है। ये देखिए ये एडोसिटी का फाइल जो है सब डिलीट करने को बोल रहा है, शेयर इट फाइल, ठीक है, तो डिलीट कर रहा हूँ, हो गया। तो इसका नामो निशान भी आपके पीसी में नहीं दिखेगा। ओके, तो अगर मैं अभी सेकेंड ऑप्शन पे जाता हूँ, फॉर द सेकेंड सॉफ्टवेयर यू हैव टू गो सर्विस, यू हैव टू गो, दिस इज द सेकेंड ऑप्शन, यू कैन, ये सेकेंड ऑप्शन है, आप कर सकते हो फॉर द आपके जो एरर है। यहाँ पे आपको जाना है सर्विस में जाना है और यहाँ पे विंडो इंस्टॉलर आपको ढूंढना है, मे बी आपको लास्ट ऑप्शन मिल जाएगा, विंडो इंस्टॉलर, बस ये देखिए इसको आप डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ऐसा कहाँ पे है, हाँ डबल क्लिक करना है, बाद में यहाँ पे स्टार्ट दबाना है, ये हो जाएगा, फिर ओके करना है। और ये भी ऑप्शन आपका वर्क नहीं हो रहा है, दैट इज सेकेंड ऑप्शन, ये भी ऑप्शन वर्क नहीं हो रहा है, तो आई एम शोइंग यू द थर्ड ऑप्शन, जिससे आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व होना ही है। थर्ड ऑप्शन है डियर, आपको यहाँ पे सर्च बार में चाहिए, यहाँ पे CMD दबाइए, CMD कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे कुछ कोड है जो मैंने यहाँ पे देखे नोटपैड में टाइप किया ऑलरेडी, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो ये देखो पहला कमांड है जो हम अनरजिस्टर करेंगे, ये अनरजिस्टर कमांड है, तो यहाँ पे जाना है आपको, पेस्ट करना है और इंटर दबाना है।
इंटर दबाने के बाद इसका प्रोसेस रहेगा, वो कंप्लीट होने के बाद आपको जो सेकेंड कमांड है ये वाला जो अभी हम फिर से रजिस्टर करने वाले हैं, इसको यहाँ पे डालना है, कॉपी पेस्ट करना है और इंटर दबाना है। इंटर दबाने के बाद एक प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस कंप्लीट होने का बाद इसको बंद करना है और आपको कंप्यूटर रिस्टार्ट करना है, रिस्टार्ट करना है। अगर ये भी प्रॉपर प्रोसेस आपको कंप्लीट हेल्पफुल नहीं हो रही, कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको मैं सेकेंड स्टेप बताने वाला हूँ। सेम करना है, आपको CMD में जाना है फिर से, ओके। और ये थर्ड जो ये है कोड है, ये आपको कॉपी करना है, इसमें पेस्ट करना है, ओके, पेस्ट करना है और इंटर दबाना है। इसका प्रोसेस होने के बाद आप कंप्यूटर फिर से रिस्टार्ट कीजिए और आई एम श्योर 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैंने मेरे ख्याल से 4 से 5 आपको ऑप्शन बता दिए हैं और इनमें से कोई ना कोई आपको हेल्प जरूर करेगा। गाइस, मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।